बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैक बेंचर दुबई की जानिब से हम आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है चिकन स्टू। इसके लिए हमें जो है हमने चिकन लिया है, इसको सिरका और नमक लगा के हमने मैरिनेट किया है एक आधा घंटा। उसके साथ साथ जो है हमने ये गरम मसाले लिए हैं जिसमें तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग और ये खुश्क लाल मिर्चें, जायफल और इसके साथ साथ ये बाकी जो है दूसरे मसाले हमने लिए हैं। ये हमने लहसुन, हरी मिर्चें और ये प्याज, हमने जो छोटे छोटे प्याज होता है वो लिया है। और ये अदरक जो हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ा सा हमने इसको मैश कर लिया है। ये अभी हमने आग जला ली है, ये अभी हम पतीले के अंदर जो है ऑयल डालेंगे। ये हमने ऑलिव ऑयल लिया है, ये तकरीबन 2.5 से 3 कप जो है चाय वाले वो डालेंगे इसके अंदर। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये हमने डाला है इसमें, अभी इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जितनी देर में ये जो है अदरक लहसुन भुना जा रहा है उतनी देर में हम ये टमाटर जो है इस तरह काट लेंगे छोटे छोटे स्लाइस के अंदर। ये हमारा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भून चुके हैं और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसमें जो है जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन था वो मिक्स करेंगे, वो डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा है इसके खुश्क होने तक हम इस चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले भी जो था इसको मैरिनेट करते हुए सिरके के साथ नमक लगाया था। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, ये देखें पानी खुश्क हो गया और ऑयल छोड़ दिया। जी हमने जो खड़े मसाले निकाले थे सारे वो हम इसमें डाल देंगे, ये तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सारे जो है ऐसे डाल देंगे। इसके साथ ही लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च इसी तरह साबुत डाल देंगे। ये इसमें हमने छोटे वाले जो है प्याज यूज़ किए हैं वो थोड़े कम थे, इस वजह से बड़े वाले प्याज के साथ थोड़े यूज़ किए हैं। इसको हल्का सा ऐसे हिला देंगे, ये जो चिकन स्टू है इसमें मसाले सारे ऐसे खड़े खड़े ही रखते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनने जा रही है आज इफ्तार के लिए। जी अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद सारे मसाले हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। ये इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमारा 3 किलो जो था चिकन था और अब इसके अंदर जो है हम 1/2 किलो जो है दही मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि दही जो है अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए।
माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत आई है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए डाल देंगे ताकि ये जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं, अदरक लहसुन और टमाटर डाला है, प्याज डाला है, अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसको इसी तरह 5 मिनट जो है पकाएंगे। जी ये 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब बस इसका पानी जो है हम खुश करेंगे और फिर हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे हल्की आंच पे। अब इसको हलाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है ताकि गोश्त जो है टूटे ना। ये पानी खुश्क हो चुका है, देखिए ऑयल छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है लेमन मिक्स करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने 4 लेमन लिए हैं दरमियाने साइज के, तो वो हम अब इसमें मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल हल्की आंच में है 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो दम लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। जी हमारा मटन स्टू रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और शक्ल भी इसकी जो रंगत है और शक्ल है माशाल्लाह बहुत प्यारी रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी कीमती राय से कमेंट में जो है हमें आगाह करें। थैंक यू।